हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। 5500 से अधिक असिस्टेंट टीचर्स के पदों पर वैकेंसी आई है प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल के लिए। सरकारी स्थायी पद रहने वाले हैं। डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ से ये वैकेंसी है। मेरिट के आधार पर सिलेक्शन रहेगा। कौन कौन आवेदन कर सकेगा, क्वालिफिकेशन, एज, सारी चीज़ें हम नोटिफिकेशन में देखने वाले हैं। मेन वेबसाइट पर जैसे ही हम आते हैं, एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ रेगुलर टीचर, यानी परमानेंट वैकेंसी है ये लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए एंड अपर प्राइमरी स्कूल के लिए। ठीक है, तो एक एक करके जो है, दोनों ही अलग अलग नोटिफिकेशन है, तो अलग अलग आवेदन करने होंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है देख लेते हैं। अपर प्राइमरी स्कूल के लिए 1750 पद हैं। असिस्टेंट टीचर, साइंस टीचर और हिंदी टीचर्स के लिए जो है यहाँ पर वैकेंसी है। दूसरा आपको बताया कि 3800 वैकेंसी है असिस्टेंट टीचर लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए। पे स्केल की अगर हम बात करते हैं तो काफी अच्छी सैलरी है, गवर्नमेंट जॉब है। 14,000 से लेकर 70,000 तक जो है यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। द डिस्ट्रिक्ट वाइज, मीडियम वाइज एंड कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसी शोइंग द रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, एमओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, वुमेन, एक्स सर्विसमैन एटसेट्रा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज और मीडियम वाइज और कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसीज को जो है ब्रेकअप किया गया है। तो वैकेंसी कहाँ से है, गवर्नमेंट ऑफ असम, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन असम की तरफ से जो है ये वैकेंसी है। अपर लोअर प्राइमरी स्कूल में जो 3800 पद हैं उसके लिए यहाँ पर कंडीशन क्या कही गई है। पहली बात, यहाँ पर वही कैंडिडेट आवेदन कर सकेंगे जिनके पास जो है असम टेट या सी टेट लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए क्वालिफाई किया हुआ है। ठीक है, मेरिट के आधार पर जो है यहाँ पर सिलेक्शन रहेगा और डिस्ट्रिक्ट और कैटेगरी वाइज जो है मेरिट लिस्ट भी जो है वो अलग अलग निकाली जाएंगी। उम्र यहाँ पर 18 साल से लेकर जो है 40 वर्ष तक रहेगी जनरल कैटेगरी की। नेक्स्ट 42 ईयर जो है एक्स सर्विस मैन के लिए, 43 ईयर जो है ओबीसी, एमओबीसी के लिए, 45 ईयर जो है एससी एसटी, इसके अलावा जो है पीडब्ल्यूडी के लिए 50 साल रहेगी। ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है वो ये रहा। मैं भी आप लोगों को हर वीडियो का लिंक मैं जरूर शेयर करती हूँ ताकि जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट जो है मेन वेबसाइट पर आ सके। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उसको आप नीचे तक जो है स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे, आपको वहाँ पर लिंक जरूर मिलेगा। यहाँ पर जो है अगर आवेदन करना चाहेंगे तो 2 जनवरी 2024 से स्टार्ट होंगे और 2 फरवरी 2024 तक जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो पूरा जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा, बट मुझे यहाँ पर कोई फीस जो है नज़र नहीं आई। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहाँ, यहाँ पर क्या कहा गया है, जो लोअर प्राइमरी स्कूल के लिए असिस्टेंट टीचर के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो है हायर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, 10th 12th में 50% मार्क्स होने चाहिए, 2 साल का आपके पास जो है डिप्लोमा होना चाहिए प्राइमरी लेवल का। ठीक है, और साथ में या तो असम टेट आपने क्वालिफाई किया हो या सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपने क्वालिफाई किया हो, इसके आधार पर ही जो है यहाँ पर मार्किंग रहेगी। वेटेज जैसे 5% मार्क्स जो आपके 10th 12th के रहेंगे, 5% मार्क्स जो है आपके जो आपने डिप्लोमा किया है एलिमेंट्री एजुकेशन में उसका रहेगा, बी लेड किया है, डी लेड किया है, बी टी सी किया है। 85% मार्क्स जो है आपके टेट के रहेंगे, सी टेट या असम टेट के। ठीक है, तो ये जो है कंपलसरी क्वालिफिकेशन यहाँ पर बता दिया। दूसरा जो एडवर्टीजमेंट है जो कि अपर प्राइमरी स्कूल के लिए है, 1750 वैकेंसी है असिस्टेंट टीचर, साइंस टीचर, हिंदी टीचर्स के लिए। यहाँ पर भी वही है कि असम टेट या सी टेट क्वालिफाई किया है वही यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कहा गया है, तो आपके 10th 12th के मार्क्स यहाँ पर लिए जाएंगे, ग्रेजुएशन के लिए जाएंगे, 2 साल का आपका डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन बाय वट एवर नेम नॉन, जिस भी नाम से जाना जाता हो, या फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड की डिग्री होनी चाहिए, टेट आपका या सी टेट आपका जो है क्वालिफाई होना चाहिए अपर प्राइमरी क्लासेस का, यानी 6 to 8 का पेपर 2। ठीक है, यहाँ पर भी जो है मार्किंग कैसे होगी, जो 5% मार्क्स जो आपके 10th 12th के, 5% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन के, और 5% मार्क्स जो हैं आपने जो डिग्री या डिप्लोमा हासिल किया है उसके होंगे।
ठीक है, चाहे वो डीलेड हो सकता है, बीएड हो सकता है, डीएड स्पेशल एजुकेशन में हो सकता है, या फिर बीएड स्पेशल एजुकेशन में हो सकता है। 80% मार्क्स जो है आपके टेट के होंगे। बाकी यहाँ पर नॉन एसेंशियल में भी दिया हुआ है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जिसके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उसके जो है 5 मार्क्स जो है उसको अधिक मिलते हैं, 5% मार्क्स उसको अधिक मिलते हैं। साइंस टीचर्स के लिए जो है वही है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही है कि 10th और 12th बीएससी, और आपके पास जो है बीएड होना चाहिए, सी टेट या असम टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। सिलेक्शन मेरिट के आधार पर ही रहेगा। हिंदी टीचर्स के लिए कहा गया है 10th और 12th ग्रेजुएशन, हिंदी जो है आपने ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा हो, बीएड होना चाहिए और आपका सी टेट अपर प्राइमरी लेवल का आपका क्वालिफाई होना चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं, ऑल द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ DEEE, डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन असम। ये जो है मेन वेबसाइट का लिंक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी यहाँ पर दिए हुए हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, हाई स्कूल की मार्कशीट सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, ग्रेजुएशन की मार्कशीट सर्टिफिकेट, और इसके अलावा जो है डीएड किया है आपने, डीएड किया है आपने, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सभी की सर्टिफिकेट लगेंगे, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC जिसके लिए जो है आप लोग प्रमाण पत्र जो लगाएंगे उसे लगाना है आप लोगों को। उसके बाद जो है परमानेंट रेजिडेंट ऑफ असम, ये लाइन जो है थोड़ा सा यहाँ पर बता दिया गया है कि यहाँ पर वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो कि परमानेंट असम के रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसी से क्लियर हो जाता है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट को जो है ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, और असम के ऐसे कैंडिडेट जिनका सी टेट या असम टेट क्लियर है वही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी के स्टेट की जो है वो बिल्कुल वैकेंसी आ रही है, लगातार आ रही है, और वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया भी जा रहा है। रेगुलर रहिए ताकि आप लोगों को समय पर पता लग सके कि कौन से स्टेट की वैकेंसी जो है वो कब आ रही है, लास्ट डेट कब है, सभी की सूचना आप लोगों को चैनल के माध्यम से दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।